उपचुनाव से पहले बालेंदु शुक्ला को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बालेंदु शुक्ला को प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे बालेंदु शुक्ला। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसके तहत इस फैसले को काफी अहम देखा जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। तो सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले बालेंदु शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए बन गए। वासु, कांग्रेस के लिहाज से कितनी बड़ी खबर है, और दूसरी बात यह कि बालेंदु शुक्ला का जो कैनवास है, जो उनका जो कैरेक्टर है, वो इस वक्त किस तरह का है, कितनी अहम जिम्मेदारी कांग्रेस में वो संभालेंगे? देखिए सोहेल, बिल्कुल ये गौर करने वाली बात है कि जो बालेंदु शुक्ला है वो ग्वालियर चंबल संभाग है, जहाँ पे 16 सीटें हैं 24 में से जिन पर उपचुनाव होना है, वहां से आते हैं, वहां के वो बड़े नेता माने जाते हैं। और इस लिहाज से ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि बालेंदु शुक्ला को वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गढ़ है वहां पर सेंध लगाने की कोशिश की गई है। बालेंदु शुक्ला बीजेपी में शामिल थे, बीजेपी से वो कांग्रेस में आए और आज पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके बाद अब कांग्रेस बालेंदु शुक्ला को टिकट देकर मैदान में उतारती है, तो ये सिंधिया समर्थकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, उसके एन पहले जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की है, जहां पर अब कांग्रेस अपनी जो लीडरशिप है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, वो ग्वालियर और चंबल का जो पूरा इलाका है वहां उस पूरे बेल्ट को संभालते थे, लेकिन अब वो बीजेपी की खेमे में है, बीजेपी के साथ में है। ऐसे में कांग्रेस को चुनाव के पहले ये जो ग्वालियर चंबल का इलाका है जहाँ पर 16 सीटें हैं जो काफी निर्णायक है, यहाँ पर मजबूती अपनी पार्टी को देना है, और उसी के तहत अब बालेंदु शुक्ला को पहले तो बीजेपी से कांग्रेस में लाया गया और अब उन्हें उपाध्यक्ष बनाकर एक और मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का सामने आया है। सोहेल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वासु, तमाम खबर हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बालेंदु शुक्ला जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में खासा प्रभाव रखते हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर उन्हें सौंपी गई है। आपको बता दें कि वो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं और यही वो इलाका है जहां 24 में से 16 सीटें वो आती हैं जिन पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो फिलहाल आगामी उपचुनाव के मद्देनज़र एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। अब तक पीसीसी चीफ कमलनाथ अकेले पूरे संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब एक उपाध्यक्ष उनके साथ जुड़ गया है। कांग्रेस संगठन इससे कितना मजबूत होता है, यह आने वाले वक्त में देखना होगा।